हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वासुदेव चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मैरिज पार्टनर, यानी आपका पार्टनर है उसके बीच आपका एंड आपके पार्टनर का एज गैप कितना होगा उसके ऊपर। तभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें viragvasula.com, यहाँ पर मेरे बहुत सारे लाइव प्रिडिक्शन मैंने दिए हैं, उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके पास अगर आपकी कुंडली है तो निकाल लीजिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो astrosec.com, यहाँ पर आकर आपकी कुंडली फ्री में मिल जाएगी, यहाँ पर आपकी कुंडली निकाल लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैरिज पार्टनर यानी मैरिज का घर होता है वो कुंडली में सातवां घर होता है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं, उसको ऐसा लग रहा होगा कि ये यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो ये सातवां घर कैसे है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो इसको पहला घर ही कंसीडर करेंगे। जो मैंने डिजाइन किया है वो पहला घर ही है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। तो ऐसे देखोगे तो टोटल 12 घर होते हैं, ये सातवां घर है। सातवें घर में 11 नंबर की राशि यानी सातवें घर में कुंभ राशि, ऐसा कहा जाता है कि ये कुंभ राशि का शनि सातवें घर में बैठा है ऐसा। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल भाषा है, तो आपको सिर्फ देखना है ये पहला ग्रह दूसरा ग्रह। ऐसे यहाँ पर अगर शनि ग्रह बैठा है तो वो व्यक्ति उनका एंड उनके पार्टनर जिससे उनका मैरिज होगा वो व्यक्ति दोनों का एज डिफरेंस गैप बहुत ज़्यादा होगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिसकी कुंडली में ये रूल नहीं लग रहा होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज डिफरेंस ही गैप हो, उनके फैमिली स्टेटस में भी बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। ये दो कंडीशन मैंने दी है। तीसरी कंडीशन ये है, अगर यहाँ पर शनि ग्रह नहीं है और जुपिटर प्लेनेट बैठा है गुरु, ये ग्रह बैठा है यहाँ पर सातवें घर में, तो भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। चौथी कंडीशन ये है, अगर यहाँ पर शनि भी नहीं है जुपिटर भी नहीं है, यहाँ पर राहु ग्रह है सातवें घर में, तो भी आपको कास्ट वाइज डिफरेंस मिलेगा, या तो एज वाइज डिफरेंस मिलेगा, या तो आपको अभी मेल एंड मेल भी शादी कर रहे हैं तो ऐसा जेंडर वाइज भी डिफरेंस मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ राहु है वो करता है, तो उसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कास्ट वाइज या तो फैमिली स्टेटस वाइज या तो उनके रंग के ऊपर भी आपको डिफरेंस मिलेगा कि लड़का है वो गोरा है, लड़की है वो उसका रंग है वो ब्लैक है, या तो लड़का है वो ब्लैक है लड़की है वो गोरी है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंस मिलेगा। ये तीनों ग्रह ही है ऐसे जो बहुत सारे डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाएंगे, जिसमें राहु है वो कलर रिलेटेड, वो सारी चीज़ मैंने जो लास्ट में बताई वो गुरु रिलेटेड मैंने जो बताई वो एज वाइज बताई, एंड शनि है उसके रिलेटेड मैंने फैमिली स्टेटस वाइज या तो एज वाइज उसमें भी मैंने बताया। तो ये तीनों कंडीशन आपको देखने, आपकी कुंडली में अगर शनि है वो सातवें घर में, या तो आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी का भी शनि है वो सातवें नंबर में है, और ये तीनों कंडीशन देखने, अगर उसकी कुंडली में ये लग रहा है और ये सिम्टम्स आपने उनकी कुंडली में देखे हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये टेक्निक 100% वर्क कर रही है। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें viragvasudevchannel.com, यहाँ पर मेरे लाइव प्रेडिक्शन देख सकते हैं, केस स्टडी देख सकते हैं, उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।